73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई मुख्य कार्यालय के समीप स्थित होटल अमित पार्क में भी ध्वजारोहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर होटल अमित पार्क में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में अमित इंटरनेशनल ग्रुप के संचालक सुभाष साव व अन्य अतिथियों सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज ये होटल अमित पार्क में आदरणीय सुभाष साव जी के इस प्रांगण में हम लोग गणतंत्र दिवस और झंडा वाहन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं यह इस आपके माध्यम से संपूर्ण शहरवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आज जो अमित पार्क में यह कार्यक्रम किया गया, पहले झंडा तोलन किया गया। झंडा तोलन के बाद उन्होंने जिन जिन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के फ्लायर दे रखा है, मिले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी आए और MIC के सब लीडर पार्षद सभी आए, सब ने जो है इस क्षेत्र को अमित पार्क के से सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना दी, बधाई दी। और हम सब ने ये कामना की है कि गणतंत्र दिवस पर हम सब संकल्प लेते हैं कि जैसा विधान संविधान हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, उस संविधान के अनुसार हम इस देश को अखंड रखेंगे और मजबूत बनाएंगे। आज 73वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त नगरवासियों को मैं भोजराज भोजू अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक छोटा सा संदेश आप सबको देता हूं। जिस प्रकार को देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, वैसे अपने आप को अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए अपने आप में एक संविधान बनाएं और पूरे परिवार का उज्ज्वल भविष्य बनाएं, ऐसी मंगल कामना आज के पावन दिवस पर।